लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो देश की और महाराष्ट्र की सेहत के लिए अच्छे नहीं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी एसटी एससी और विशेष करकर पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब आदिवासी घर की महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में 27% मंत्री पिछड़ा वर्ग के ओबीसी के लिए एससी समुदाय से सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के आए हैं और केंद्र में नीट आईआईटी नवोदय विद्यालय केंद्रीय स्कूल और सैनिक स्कूल में ओबीसी का 27% आरक्षण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये राहुल बाबा क्या कह रहे हैं, कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ये सारे उलेमा मिले और कहा मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। मुझे बताओ दूरे वालों, आप लोग सहमत हो क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? राहुल बाबा, मैं आज दूरे से कहकर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो, आपकी चौथी पीढ़ी आएगी तो भी मुस्लिम आरक्षण नहीं। भाइयों बहनों, इन्होंने पूरा जीवन तुष्टिकरण करने का काम किया है और आज मैं आपको पूछने आया हूं, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, बहने भी बोले है या नहीं है? धारा 370 मोदी जी ने हटाई, ठीक किया या नहीं किया? अबे राहुल बाबा कहते हैं, उन्होंने प्रस्ताव किया है कश्मीर के अंदर कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा आप तो छोड़ो, इंदिरा जी स्वयं स्वर्ग से वापिस आएगी, धारा 370 नहीं। ये कश्मीर जो है ये भारत का अभिन्न अंग है, उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। और भाइयों बहनों, ये सुशील कुमार शिंदे जी अभी अभी बयान दिए कि मैं गृह मंत्री था, वो जब देश के गृह मंत्री थे तब कश्मीर लाल चौक में जाने में उनको डर लगता था, डर। कोई बात नहीं शिंदे साहब, अब आप गृह मंत्री नहीं है, मैं गृह मंत्री हूं। मैं आपको बताता हूं, पोतों पोती पोती पोतों को लेकर कश्मीर चले जाइए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। भाइयों बहनों, 10